हेलो बच्चों, कैसे हाल चाल हैं बच्चों? तो बच्चों, हम लोग अपनी उत्तराखंड ट्रिप की यात्रा में आ गए हैं नौकुचिया ताल पर। आपको नौकुचिया ताल की लोकेशन दिखाई दे रही है और ये मेरे बच्चे और मेरी वाइफ एंजॉय कर रहे हैं। मैंने यहाँ पर होटल ले लिया है, नौकुचिया ताल के बिल्कुल पास में होटल लिया है। ये TRH है ना, टूरिस्ट रेस्ट हाउस इसको बोलते हैं, और ये गवर्नमेंट का होता है, काफ़ी अच्छा होता है, साफ़ सुथरा होता है। नौकुचिया ताल की लोकेशन आप देख रहे हैं, यहाँ पर बोटिंग काफ़ी होती है और मेरे बच्चे भी अभी बोटिंग का एंजॉय करके आए हैं। ये अभी अपनी फ़ोटोग्राफी कर रहे हैं, मैं यहाँ पर बच्चों खड़ा हूँ और मैं यहाँ पर वीडियो बना रहा हूँ। ये मेरा बेटा रूम है और इस रूम में मैंने स्टे किया हुआ है। और मैं आपको, चलिए कुछ पढ़ाई की बातें आज करते हैं हम लोग। और पढ़ाई का भी मैंने बताया था कि मैं यहाँ पर आ करके कुछ ज़रूर वीडियो बनाऊँगा और वो वीडियो बेटा मैं अपलोड करूँगा। तो चलिए बच्चों, हम लोग कुछ पढ़ाई की बातें यहाँ पर आज कर लेते हैं। और पढ़ाई की बातों बच्चों, आप ये मेरा रूम सारा देख रहे होंगे, ऐसे रूम है मेरा यहाँ पर, ये अच्छा रूम है और मैं यहाँ पर बैठा हुआ हूँ। और चलिए बेटा, हम लोग कुछ पढ़ाई की अच्छी अच्छी बातें आज कर लेते हैं। और हम लोग स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स और सिमेट्रिक स्क्यू हर्मिशियन सॉरी हर्मिशियन मैट्रिक्स और स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स के बारे में बेटा हम लोग पढ़ रहे थे। और मैंने आपको बेटा समझाया था कि हम लोग इसमें हर्मिशियन मैट्रिक्स के, हम लोग आइगन वैल्यूज़ एंड आइगन वेक्टर के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें बच्चों यहाँ पर कर रहे थे। तो उसी में मैं आपको बेटा आगे यहाँ पर समझाता हूँ। और हर्मिशियन मैट्रिक्स और स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स के आगे थोड़ा हम लोग कुछ और अच्छी अच्छी बातें बेटा आप देखो आज यहाँ पर समझेंगे। देखो बच्चों, आइगन वैल्यूज एंड आइगन वैक्टर क्या होता है 2x2 में, ये मैंने आपको बेटा समझा दिया था। अब बेटा मैं आपको समझाता हूँ कि आइगन वैल्यूज़ एंड आइगन वेक्टर्स की कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ के बारे में। इसको मैं थोड़ा ऐसे कर लेता हूँ ताकि आपको क्लियर दिखाई दे यहाँ पर। ये अब आपको क्लियर यहाँ पर दिखाई देगा जो मैं लिखूँगा। इसको मैं यहाँ पर दबा देता हूँ, ठीक है बच्चों। चलिए देखो बच्चों, एक बात यहाँ पर इम्पॉर्टेंट समझिए कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स जो होती है ना, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स की खास बात बच्चों क्या होती है, इसमें ए ट्रांसपोज ए के बराबर होता है। ये मैट्रिक्स हमेशा एक स्क्वायर मैट्रिक्स बच्चों होती है, इसमें ए ट्रांसपोज ए के इक्वल होता है, ठीक है बेटा। तो देखो सिमेट्रिक मैट्रिक्स में बेटा एक खास बात ये होती है कि अगर हमारी मैट्रिक्स रियल एंड सिमेट्रिक है, रियल एंड सिमेट्रिक मैट्रिक्स अगर हमारी है, रियल का मतलब उसके सारे के सारे एलिमेंट जो हैं वो रियल होंगे, और मैट्रिक्स सिमेट्रिक है मतलब ये कंडीशन फॉलो हो रही है ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं एक यहाँ पर मैट्रिक्स लिखता हूँ, देखो ऐसे 2, 3, 4, 6 और ये भी 6 कर देता हूँ, और मान लीजिए ये -1 है तो ये भी -1 कर देता हूँ, ये मान लीजिए 9 है तो ये भी 9 कर देता हूँ, ठीक है। तो देखो बच्चों, ये 3x3 की मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स हमेशा स्क्वायर होनी चाहिए। तो अगर मैं इसका ट्रांसपोज निकालता हूँ, देखो ये एलिमेंट आप कुछ भी रख लीजिए, डायगोनल के एलिमेंट आप कुछ भी रख लीजिए, यहाँ ध्यान देना है, मतलब अगर मैट्रिक्स आपको सिमेट्रिक बनानी है तो डायगोनल के एलिमेंट्स आप कुछ भी रख सकते हैं। जैसा ये है वैसा ये होगा, जैसा ये है वैसा ये होगा, और जैसा ये है वैसा ये होगा, ठीक है ना। तो अगर मैं देखो ए ट्रांसपोज यहाँ पर निकालता हूँ तो फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम बनेगा, और सेकेंड रो से बच्चों सेकेंड कॉलम बनेगा, और बच्चों थर्ड रो से देखो यहाँ पर थर्ड कॉलम बनेगा। तो आप देख सकते हैं कि फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में लिख दिया, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में लिख दिया, थर्ड रो को थर्ड कॉलम में लिख दिया, और आप देख सकते हैं कि जो ए ट्रांसपोज है और ए, ये आपस में वापस इक्वल आ गए। तो बच्चों अगर मैट्रिक्स सिमेट्रिक है, ध्यान रखना बच्चों सिमेट्रिक मैट्रिक्स हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स ही होनी चाहिए, ये बात जरा यहाँ पर बिल्कुल ध्यान कर लीजिए आप, ठीक है। तो अगर बच्चों मैट्रिक्स सिमेट्रिक है, ठीक है, और रियल है, रियल का मतलब उसके एलिमेंट्स रियल हैं, तो उसमें खास बात बच्चों यहाँ पर ये होती है कि इसकी आइगन वैल्यूज़ भी रियल ही होंगी। आइगन वैल्यूज़ जो इसकी निकल के आएंगी वो हमेशा रियल ही होंगी, मतलब मैट्रिक्स अगर रियल और सिमेट्रिक है तो ऐसे मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू हमेशा ही रियल होती हैं, ठीक है बच्चों। तो देखिए मैं आपको दिखाता हूँ लोकेशन यहाँ पर क्या है, और यहीं से झील दिख रहा है, मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ रूम पे अपने, और यहाँ से मुझे नौकुचिया ताल दिखाई दे रहा है। ये भी ताल बेटा बहुत गहरा है, ठीक है, और यहाँ पर आपको सामान वामान मेरा बिखरा हुआ दिखेगा, ठीक है, कोई टेंशन नहीं, सामान तो खैर बिखरा रहता ही है बेटा। और ठीक है बच्चों, तो नौकुचिया ताल बच्चों यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है,
और ये मैं आपको यहाँ पर वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है बच्चों? देखिए, देखो फॉर एग्जांपल, जैसे कि मान लो मैंने एक मैट्रिक्स ए ले लिया और ये रियल एंड सिमेट्रिक ले लिया, 2 3 3 4, ठीक है? तो अगर मैं इसका आइगन वैल्यूज निकालूंगा तो इसका आइगन वैल्यू हमेशा ही रियल आएगा, ये बात बच्चों यहाँ पर ध्यान रखनी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, ठीक है? तो आइगन वैल्यू आप चाहे तो निकाल के देख सकते हैं, ए माइनस लैम्डा आई का डिटर्मिनेंट इक्वल टू जीरो करना होता है, लैम्डा इंटू आई आप जानते हैं क्या होता है, लैम्डा को आई से मल्टीप्लाई कर देंगे, आई का मतलब 1001 यहाँ पर होगा, तो क्या हो जाएगा बच्चों, वही हो जाएगा लैम्डा 00 लैम्डा, ठीक है? ए में से इसको माइनस किया जाएगा तो क्या बनेगा, देखो डिटर्मिनेंट, ए में से इसको माइनस करें तो 2 माइनस लैम्डा 3, और ये हो जाएगा 3 बच्चों, और ये हो जाएगा अपना 4 माइनस लैम्डा, और इसका डिटर्मिनेंट जीरो कर दिया, ठीक है? तो अब इसका डिटर्मिनेंट अगर हमने जीरो कर दिया, ये मेरा मोबाइल का देखो यहाँ पर स्टैंड रखा हुआ है, इससे कुछ फ़ायदा हुआ नहीं, ये मेरी गाड़ी की चाबी रखी हुई है आपको दिख रहा होगा, और मैंने कहा इसका कुछ बेनिफिट हुआ नहीं, मुझे एक हाथ से पकड़ना पड़ रहा है मोबाइल, कुछ इससे फ़ायदा ज़्यादा हो नहीं पाया, कोई बात नहीं, सब चलता रहता है। अब देखो बच्चों, इसका डिटर्मिनेंट अगर मैं निकालूंगा तो आप जानते हो दिस इंटू दिस होगा, तो क्या होगा, 2 × 2 − λ × 4 − λ और माइनस का 9 इक्वल टू जीरो, तो क्या होगा, देखो 8 − 2λ − 4λ + λ² − 9 = 0 हो जाएगा बच्चों, ठीक है? अच्छा अब देखो बच्चों यहाँ पर क्या होगा, λ² − 6λ और − 1 = 0 हो जाएगा बच्चों, ठीक है? और लैम्डा की वैल्यू निकालेंगे तो −b + √b² और −4ac/2a, तो बच्चों देखो लैम्डा की वैल्यू यहाँ पर रियल आएगी, हमेशा ही ऐसा होगा, ठीक है? अच्छा दूसरी बात ध्यान रखना बच्चों कि अगर हमारी मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, अगर मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक, देखो बेटा ये हम लोग प्रॉपर्टीज़ पढ़ रहे हैं, किसकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ रहे हैं, आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर की बेटा हम लोग ये प्रॉपर्टीज़ पढ़ रहे हैं। आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर क्या होता है, इसी प्लेलिस्ट में देखो बेटा, ये पूरी CSIR नेट की प्लेलिस्ट है, आप लिख दीजिए कंप्लीट सिलेबस ऑफ CSIR नेट बाय HD मैथमेटिक्स, तो आपको मिल जाएगी। स्क्यू सिमेट्रिक में क्या होता है, A ट्रांसपोज = -A होता है। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी हमेशा स्क्वायर ही होती है। इसको कैसे लिखा जाता है, जैसे कि मान ली डायगोनल एलिमेंट, ध्यान रखना इसमें जीरो करने पड़ते हैं, और अगर ये 2 है तो ये -2 करना होगा, ये -3 है तो ये 3 करना होगा, ये 4 है तो -4 करना होगा, ठीक है? स्क्यू सिमेट्रिक में डायगोनल एलिमेंट्स हमेशा ही जीरो करने पड़ेंगे, ये बात ध्यान रख लीजिए, और ये जो भी साइन है उसका ये अपोजिट साइन होगा, ये इसका अपोजिट होगा, ये इसका। देखो ए ट्रांसपोज अगर हम लोग निकालेंगे तो फर्स्ट रो से बन जाएगा फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो से बच्चों बन जाएगा सेकेंड कॉलम, ठीक है? और बच्चों थर्ड रो से देखो यहाँ पर बन जाएगा थर्ड कॉलम, ठीक है? अब अगर हम इसमें से माइनस को कॉमन बाहर ले लिया जाए तो क्या हो जाएगा, क्योंकि माइनस सब में से कॉमन आएगा, मैट्रिक्स में कोई भी चीज़ अगर हम कॉमन लेते हैं या कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई करते हैं तो वो सारे एलिमेंट्स में मल्टीप्लाई होगी या कॉमन आएगी, ध्यान रखना। डिटर्मिनेंट में हम किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना, ध्यान रखना। देखो माइनस कॉमन लिया तो 0, ये 2, ये -3, ये -2, ये 0, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 3, -4 और 0, तो देखो ये -a के बराबर अपने आप ही आ गया, है ना? तो ए ट्रांसपोज को हम लिख सकते हैं -a, क्योंकि देखो ये पूरा जो है ना, ये पूरा क्या हो गया, ए के ही बराबर हो गया, तो ए ट्रांसपोज क्या हो गया, -a। अच्छा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की बच्चों खास बात देखो क्या होती है, अगर मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक है और रियल है, रियल एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स अगर हमारे पास है, मतलब उसके एलिमेंट्स रियल हैं और मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक है, तो ध्यान रखना इसकी जो आइगन वैल्यूज होती हैं, इसकी आइगन वैल्यूज हमेशा प्योरली इमेजनरी होंगी या फिर जीरो होंगी, ये बात बच्चों जरा यहाँ पर ध्यान रखना। अगर मैट्रिक्स रियल है और स्क्यू सिमेट्रिक है तो इसकी जो आइगन वैल्यूज होती हैं वो हमेशा या तो प्योरली इमेजनरी होंगी या फिर जीरोज होंगी, ये बात ध्यान रखना, ठीक है? प्योरली इमेजनरी होंगी या फिर जीरो होंगी। प्योरली इमेजनरी, प्योरली इमेजनरी आप समझते हो ना, इस टाइप का नंबर जिसमें खाली आयोटा है, जैसे इस टाइप का नहीं होना चाहिए, मतलब उसमें रियल पार्ट नहीं होना चाहिए, ये 2 नहीं चाहिए, खाली इस प्रकार का नंबर, ये नंबर क्या होते हैं, प्योरली इमेजनरी। तो अगर मैट्रिक्स रियल है और स्क्यू सिमेट्रिक है तो उसकी आइगन वैल्यूज़ क्या होंगी, प्योरली रियल, प्योरली इमेजनरी होंगी, या उसकी आइगन वैल्यूज़ बच्चों
रियल भी हो सकती हैं, सॉरी उसकी आइगन वैल्यू प्योरली इमेजिनरी होंगी या उसकी आइगन वैल्यू जीरो भी हो सकती हैं। ये बात यहाँ पर ध्यान रखना, आप कोई भी एग्जांपल लेकर हमेशा चेक कर सकते हो, प्योरली इमेजिनरी होंगी या फिर वो जीरो भी हो सकती हैं। ठीक है बच्चों, तो ये हम लोग बेटा आइगन वैल्यूज़ की प्रॉपर्टीज़ के बारे में कुछ बातें यहाँ पर इंपॉर्टेंट पढ़ रहे थे, तो ये बातें अभी हम लोग पढ़ेंगे। और भी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बच्चों यहाँ पर हम लोग देखेंगे। देखो इसके बाद बेटा कुछ और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैं आपको बता देता हूँ, इस पेपर को हटा देते हैं, ये पेपर नंबर सेकेंड है, ठीक है ना। अच्छा आगे बढ़ें, देखो ये सारे पेपर मैं यहाँ रखता जा रहा हूँ स्टोर करके, आगे बढ़ें। और भी मेरे पास बहुत सारे पेपर बेटा पुराने स्टोर रहते हैं, ठीक है, उनको स्टोर करके रखता हूँ, रखना पड़ता है, मजबूरी है। देखो तो थर्ड नंबर है बेटा, हम लोग आगे बढ़ें। देखो एक प्रॉपर्टी मैंने आपको बेटा पहले बताई थी, आपको याद होगा प्रॉपर्टी कि अगर मान लीजिए x कोई आइगन वेक्टर हमारे पास है, मान लीजिए x मेरे पास कोई आइगन वेक्टर है ना, x क्या है बोलो, आइगन वेक्टर है। आइगन वेक्टर मतलब किसी ना किसी आइगन वैल्यू से निकला होगा, मैंने बताया था ऐसे करके लिखते हैं, a माइनस लैम्डा i इंटू एक्स बराबर जीरो, और जीरो मैट्रिक्स होता है, इससे हमको आइगन वेक्टर मिल जाता है ना। तो आइगन वेक्टर जब बेटा हम निकालते हैं, x मान लीजिए कोई आइगन वेक्टर है, मान लीजिए इस प्रकार से आपने कोई आइगन वेक्टर निकाला 1, 2, -3 का, तो अगर हम इसमें किसी भी रियल नंबर से मल्टीप्लाई कर दें तो वो आइगन वेक्टर ही रहता है, ध्यान रखना। किसी भी मतलब के क्या है, के जीरो नहीं होना चाहिए, के कोई भी रियल नंबर हो सकता है, ठीक है, किसी भी रियल नंबर से आप इसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो आइगन वेक्टर ही रहेगा उसका, ये बात मैं पहले ही आपको समझा चुका था। तो ये भी बच्चों अपने आप में एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसको लिख लेना अपने शब्दों में। अच्छा एक प्रॉपर्टी देखो इंपॉर्टेंट बेटा और है, मान लीजिए लैम्डा कोई आइगन वैल्यू है किसी मैट्रिक्स की, क्योंकि मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू दो या तीन कई सारी हो सकती हैं, तो मान लीजिए लैम्डा कोई भी एक आइगन वैल्यू है और उससे आपने आइगन वेक्टर निकाले और मान लीजिए आइगन वेक्टर दो आ गए या तीन भी आ सकते हैं, ठीक है, आइगन वेक्टर आपने निकाले तो आइगन वेक्टर मान लीजिए दो आ गए, आ सकते हैं, मैंने बताया था कि भाई आइगन वेक्टर जो है वो आ सकते हैं। देखो ये बात मैंने समझाई थी आपको, क्या बात मैंने समझाई, देखो ये भी अपने आप में एक प्रॉपर्टी है क्या, कि जैसे मान लो एक मैट्रिक्स ए है और आपने उसकी अलग अलग आइगन वैल्यूज निकाली, ठीक है, तो अलग अलग आइगन वैल्यूज के करस्पॉन्डिंग जो आइगन वेक्टर्स आते हैं वो आपस में लीनियरली इंडिपेंडेंट होते हैं। ये बात मैंने आपको समझाई थी कि एक मैट्रिक्स ए है उसकी दो आइगन वैल्यूज या तीन भी हो सकती हैं, आइगन वैल्यूज ज़्यादा भी हो सकती हैं, और मान लीजिए लैम्डा वन के करस्पॉन्डिंग आइगन वैक्टर एक्स वन है, लैम्डा टू करस्पॉन्डिंग आइगन वैक्टर एक्स टू है, तो एक्स वन एक्स टू आपस में लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे, मतलब किसी भी एक में अगर हम किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करें तो दूसरा वेक्टर नहीं मिलेगा। ये बात मैंने आपको समझाई थी, जैसे मान लीजिए एक्स वन है, ठीक है, 2, 4, 3, और मान लीजिए एक्स टू है, एक वेक्टर है, मान लीजिए 0, 1, 2, तो अगर मैं इसमें किसी से भी किसी भी नॉन जीरो रियल नंबर से मल्टीप्लाई करूं तो ये नहीं मिलेगा, या इसमें किसी से भी नॉन जीरो रियल नंबर से मल्टीप्लाई करूं तो ये नहीं मिलेगा, या डिवाइड भी कर सकते हैं, इसमें किसी से भी डिवाइड करो या मल्टीप्लाई करो तो ये नहीं मिलेगा नॉन जीरो नंबर से, ध्यान रखना नॉन जीरो नंबर से, और इसमें भी किसी भी नॉन जीरो नंबर से आप मल्टीप्लाई करो या डिवाइड करो तो ये नहीं मिलेगा, बात समझे ना। तो ये लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर हो गए, लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर हो गए। तो अलग अलग आइगन वैल्यू से जो आइगन वेक्टर मिलते हैं वो आपस में लीनियरली इंडिपेंडेंट होते हैं, ये भी अपने आप में ध्यान रखना। हाँ एक बात और भी समझना ध्यान से, कि एक ही आइगन वैल्यू से कई सारे आइगन वेक्टर मिल सकते हैं, वो आपस में लीनियरली डिपेंडेंट होते हैं। जैसे मान लीजिए ऐसा लिया मैंने 2, 1, 3, और इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 4, 2, 6 हो गया, इससे मान लीजिए -1 से मल्टीप्लाई कर दिया, किसी भी आप रियल नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये बात मैंने समझाई थी कि एक आइगन वेक्टर में किसी भी रियल नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो जो दूसरे आइगन वेक्टर मिलेंगे वो भी इसी आइगन वैल्यू के करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर माने जाएंगे, ये बात ध्यान रखना बच्चों, है ना। और ये सब आपस में लीनियरली डिपेंडेंट है, क्योंकि इसमें कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किया ये मिला, इसमें कांस्टेंट मतलब रियल नंबर से, नॉन जीरो रियल नंबर से मल्टीप्लाई करने पर दूसरा मिलेगा, तो ये आपस में कैसे हैं बोलो, ये आपस में है बच्चों लीनियरली डिपेंडेंट, ये बात यहाँ पर ध्यान रखना। अच्छा अब एक इंटरेस्टिंग बात और देखो, कभी कभी 3x3 मैट्रिक्स में ऐसा होता है,
मतलब समझ गए ना कि अलग अलग आइगन वैल्यूज के करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर क्या होते हैं, लीनियरली इंडिपेंडेंट होते हैं। एक ही आइगन वैल्यू से जो अलग अलग आइगन वेक्टर दिखते हैं वो लीनियरली डिपेंडेंट होते हैं। कभी कभी क्या होता है 3x3 मैट्रिक्स में, मैं आपको समझाऊंगा ये बात कभी आगे चल के, अगला वीडियो में पढ़ाऊंगा तो इसमें ये बात बताऊंगा कि कभी कभी 3x3 मैट्रिक्स में क्या होता है, एक ही आइगन वैल्यू से जो आइगन वेक्टर मिलते हैं वो भी आपस में लीनियरली इंडिपेंडेंट होते हैं। कभी कभी ऐसा हो जाता है किसमें, 3x3 में, एक ही, कभी कभी ऐसा हो जाता है 3x3 में भी कि एक ही आइगन वैल्यू से जो आइगन वेक्टर बनते हैं वो हमेशा लीनियरली इंडिपेंडेंट होते हैं। अच्छा, अब देखो मैं आपको क्या बता रहा था, एक बात इम्पॉर्टेंट कि मान लीजिए कि हमारे पास है ना, ये पेज नंबर अपना 4 है बच्चों, मान लीजिए हमारे पास लैम्डा कोई आइगन वैल्यू है और उससे दो आइगन वेक्टर हमने निकाले, एक x1 निकाला और एक x2 निकाला। तो ध्यान रखना, अगर मैं k1x1 प्लस k2x2 करूं तो ये भी एक आइगन वेक्टर होगा, किसका, लैम्डा का, ठीक है। अगर मैं k1x1 और k2x2 करूं तो ये भी आइगन वेक्टर लैम्डा का होगा। लैम्डा एक आइगन वैल्यू है, इसके करस्पॉन्डिंग दो आइगन वेक्टर हैं, और k1 k2 क्या हैं, k1 k2 ये रियल नंबर हैं और ये जीरो नहीं है, k1 k2 रियल नंबर हैं और जीरो नहीं है। तो ये बात बच्चों यहाँ पर बहुत ही इम्पॉर्टेंट हमको ध्यान रखनी है, ठीक है। अच्छा, और एक बात ध्यान रखो, अगली प्रॉपर्टी ये है कि अलग अलग आइगन वैल्यू, मान लो एक मैट्रिक्स है उसकी दो आइगन वैल्यू निकली λ1 λ2, तो जो अलग अलग आइगन वैल्यू निकलती हैं उनका आइगन वेक्टर कभी भी सेम नहीं होगा। जैसे इसका आइगन वेक्टर निकालोगे, इसका आइगन वेक्टर निकालोगे, दोनों का आइगन वेक्टर कभी भी सेम नहीं हो सकता, नॉट सेम, ये बात ध्यान रखना। अलग अलग आइगन वैल्यू का जो आइगन वेक्टर निकलेगा वो सेम नहीं होगा एक ही मैट्रिक्स में। हाँ, अगर आप मैट्रिक्स चेंज कर देंगे तो ऐसा हो सकता है, मान लो एक मैट्रिक्स ए है एक बी है, इसका आइगन वैल्यू λ1 है, इसका आइगन वैल्यू मान लीजिए λ2 है, तो हो सकता है इसका आइगन वेक्टर एक्स हो और हो सकता है इसका भी आइगन वेक्टर एक्स हो, क्योंकि ये अलग अलग आइगन वैल्यूज है ना। मान लीजिए ए का आइगन वैल्यू λ1 है और बी का आइगन वैल्यू λ2 है, और इसका आइगन वेक्टर एक्स है और इसका आइगन वेक्टर भी मान लीजिए एक्स है, तो ऐसा हो सकता है। अलग अलग मैट्रिक्स के जो आइगन वैल्यू निकलेंगे उनके आइगन वेक्टर सेम हो सकते हैं, लेकिन एक ही मैट्रिक्स के अगर दो अलग अलग आइगन वैल्यूज हैं तो उनका आइगन वेक्टर कभी भी सेम नहीं होगा, ये बात ध्यान रखना है ना। हाँ, एक ही मतलब ये है कि दो अलग अलग आइगन वैल्यू के करस्पॉन्डिंग सेम आइगन वेक्टर कभी भी नहीं होता है, ठीक है। दो अलग अलग आइगन वैल्यू के करस्पॉन्डिंग ध्यान रखना कभी भी सेम आइगन वेक्टर नहीं होता है, दो अलग अलग आइगन वैल्यू करस्पॉन्डिंग, ठीक है, सेम आइगन वेक्टर कभी भी नहीं हो सकता है, ये बात ध्यान रखना बच्चों, ठीक है। अच्छा, अब एक बात और आगे समझो बच्चों, क्या कि जैसे मान लीजिए एक ए है और मैट्रिक्स ए है और इसका कोई आइगन वैल्यू लैम्डा है, कोई भी हो सकता है, आइगन वैल्यू एक या एक से ज़्यादा हो सकते हैं, दो होंगे या तीन होंगे, ठीक है ना। तो अगर एक मैट्रिक्स का आइगन वैल्यू लैम्डा है तो अगर हम मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालते हैं तो उसका आइगन वैल्यू 1/λ होगा, है ना। जैसे कि मान लो एक मैट्रिक्स ए है, उसके तीन आइगन वैल्यूज हैं, तो ए इन्वर्स के आइगन वैल्यू क्या हो जाएंगे, 1/λ1, 1/λ2, 1/λ3, डायरेक्ट आप लिख सकते हैं। अगर ए के आइगन वैल्यू λ1, λ2, λ3 हैं तो ए इन्वर्स के आइगन वैल्यूज 1/λ1, 1/λ2, 1/λ3 हो जाएंगे, ठीक है, ये बात हमेशा ध्यान रखनी। अच्छा, अब देखो जरा ध्यान दो बच्चों, जैसे हम लोग ये जानते हैं ए इन्वर्स क्या होता है, एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए होता है, ठीक। अच्छा, अगर यहाँ से हम एडजॉइंट ए निकालें तो क्या हो जाएगा, ए इन्वर्स इंटू डिटर्मिनेंट ए। अब देखो, अगर मान लो ए का आइगन वैल्यू, अगर मान लो ए का आइगन वैल्यू लैम्डा है तो देखो एडजॉइंट ए का जो आइगन वैल्यू होगा देखो वो क्या होगा, क्योंकि ए इन्वर्स का क्या हो जाएगा, 1/λ, तो डिटर्मिनेंट ए बाई लैम्डा, बात समझे, ये इंपॉर्टेंट बात है समझो। देखो दो बातें हमने एक साथ पढ़ी, क्या,
अगर ए मैट्रिक्स का आइगन वैल्यू लेमडा है, ठीक है, तो ए इनवर्स का आइगन वैल्यू क्या होगा, 1/लेमडा। दूसरा देखो, इसको ऐसे पढ़ सकते हैं कि ए इनवर्स क्या होता है, एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए होता है, तो एडजॉइंट ए क्या हो जाएगा, ए इनवर्स इंटू डिटर्मिनेंट ए हो जाएगा। अच्छा, और देखो इंपॉर्टेंट बात क्या है, ए इनवर्स का आइगन वैल्यू क्या होता है, 1/लेमडा, तो ए इनवर्स को 1/लेमडा लिख दो, तो एडजॉइंट ए का आइगन वैल्यू क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ए 1/लेमडा, है ना। ये बात यहाँ पर बच्चों इंपॉर्टेंट है। अच्छा, एक बात और यहाँ पर समझो जरा, कि जैसे ए इनवर्स का 1/लेमडा है और डिटर्मिनेंट ए आपने मल्टीप्लाई किया तो इससे मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि देखो ऐसा होता है ना कि अगर मान लो एक मैट्रिक्स ए है और उसके आइगन वैल्यू λ1 λ2 हैं, तो अगर आप के इंटू ए मैट्रिक्स लोगे तो उसके आइगन वैल्यू k λ1 k λ2 हो जाएंगे। ये भी अपने आप में एक प्रॉपर्टी है, मतलब अगर मैट्रिक्स में तुम किसी रियल नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो आइगन वैल्यूज़ में भी उसी रियल नंबर का मल्टीप्लाई हो जाएगा। मैट्रिक्स के आइगन वैल्यू λ1 λ2 हैं तो के इंटू ए के आइगन वैल्यू k λ1 k λ2 होंगे। ये भी अपने आप में एक प्रॉपर्टी है। λ3 भी हो सकता है, तो यहाँ पर एक और बढ़ जाएगा k λ3, क्या फ़र्क पड़ने वाला, ठीक है ना, बोलो। अच्छा, सिमिलरली तो क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ, ए इनवर्स को लिख दिया 1/λ, और चूंकि उसमें मल्टीप्लाई क्या है, डिटर्मिनेंट ए का, तो इसमें भी डिटर्मिनेंट ए से कर दिया इसी प्रॉपर्टी से, क्योंकि डिटर्मिनेंट ए क्या आएगा, एक कांस्टेंट आएगा, तो कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करने पर आइगन वैल्यू में भी कांस्टेंट का मल्टीप्लाई हो गया। देखो, क्योंकि ए इनवर्स का आइगन वैल्यू 1/λ है, तो के इंटू मतलब डिटर्मिनेंट ए इंटू ए इनवर्स का आइगन वैल्यू क्या हो गया, डिटर्मिनेंट ए इंटू 1/λ। तो ये भी बच्चों अपने आप में प्रॉपर्टी है। हम लोगों ने कई प्रॉपर्टी देखो यहाँ पर एक साथ पढ़ी हैं, इसको समझो ध्यान से जरा, ठीक है ना, कि अगर ए का आइगन वैल्यू λ1 λ2 है तो के इंटू ए का आइगन वैल्यू ये होगा, ए इनवर्स ए का आइगन वैल्यू λ1 λ2 λ3 है तो ए इनवर्स का आइगन वैल्यू ये होगा, ए का आइगन वैल्यू अगर लेमडा है, ठीक है ना, ए का आइगन वैल्यू अगर मान लो लेमडा है तो एडजॉइंट ए का आइगन वैल्यू डिटर्मिनेंट ए अपॉन लेमडा होगा। और भी कई हो सकते हैं, अगर मान लो मैं यहाँ पर इसको λ1 λ2 कर दूँ तो फिर यहाँ पर फिर वही, इसका डिटर्मिनेंट ए अपॉन λ1, डिटर्मिनेंट ए अपॉन λ2, डिटर्मिनेंट ए अपॉन λ3 हो जाएगा। भाई तो मैं एक की बात कर रहा हूँ ना, अगर एक से ज़्यादा होंगे सब में वही प्रॉपर्टी लगेगी, है ना भाई। अगर आइगन वैल्यूज एक है तो वो सेम बात है, और अगर एक से ज़्यादा होंगे तो फिर वही सेम बात होगी, है ना। जैसे कि मान लो अगर ए के आइगन वैल्यूज λ1 λ2 λ3 हैं तो एडजॉइंट ए के आइगन वैल्यूज़ क्या हो जाएंगे, डिटर्मिनेंट ए बाई λ1, डिटर्मिनेंट ए बाई λ2 और डिटर्मिनेंट ए बाई λ3। इतना आप समझते हो बात, तो कोई दिक्कत वाली बात है, ठीक है बच्चों। तो ये बातें बेटा हमें याद रखनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू से रिलेटेड, ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं बच्चों। इसको मैं अलग कर देता हूँ, और लोकेशन आप एक बार फिर चाहें तो देख सकते हैं, यहाँ से दिख रही है लोकेशन, कई लोग वोटिंग करते हैं आपको दिख रहे होंगे, ठीक है ना, वोटिंग लोग कर रहे हैं, मेरे बच्चे भी अभी बाहर खेलने गए हैं, सब मस्त खेल कूद रहे हैं, तो टेंशन नहीं पालना बच्चों मस्त हो गया पढ़ना है, ये बच्चे खेल रहे हैं कूद रहे हैं, मैंने कहा मैं आपके लिए एक अच्छा वीडियो बना देता हूँ, यहाँ से लोकेशन सब मस्त यहाँ पर दिख रही होगी आपको। अच्छा चलो वापस आए बेटा पढ़ाई पे हम लोग। हाँ देखो, 5वें नंबर का पेज है ये, देखो एक बात, अगली बात क्या है, अगली बात देखो बच्चों ये है कि अगर दो मैट्रिसेस सिमिलर हैं, ए एंड बी आर सिमिलर, अगर दो मैट्रिसेस सिमिलर हैं, अब ये क्या होता है, देखो सिमिलर मैट्रिक्स उसको कहते हैं, जैसे कि मान लो अगर मैं बी को ऐसे लिख पाऊँ पी इनवर्स ए पी, अगर ए और बी मेरे पास दो मैट्रिक्स हैं और मैं एक मैट्रिक्स को दूसरे के टर्म में ऐसे लिख पाऊँ, है ना, पी इनवर्स ए पी, पी इनवर्स मतलब एक ऐसी मैट्रिक्स है जिसका इनवर्स निकल सकता है, तो पी क्या होगा, पी होगा नॉन सिंगुलर। नॉन सिंगुलर का मतलब डिटर्मिनेंट पी जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जीरो है तो उसका इनवर्स नहीं निकलता है, तो इसलिए पी एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ऐसी एग्जिस्ट करनी चाहिए कि हम बी और ए में ये रिलेशन बना पाएँ। अगर मैं बी को पी इनवर्स ए इंटू पी लिख सकता हूँ, पी क्या है, कोई भी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, क्योंकि नॉन सिंगुलर का मतलब उसका डिटर्मिनेंट जीरो नहीं है, और अगर डिटर्मिनेंट जीरो नहीं है तभी उसका इनवर्स निकल पाएगा। तो ए और बी में अगर ये रिलेशन होगा तो हम कहते हैं ए और बी मैट्रिसेस कैसे हैं, सिमिलर। और ध्यान रखना कि जो सिमिलर मैट्रिसेस होते हैं,
सिमिलर मैट्रिसेस जो होते हैं उनके आइगन वैल्यू सेम होते हैं, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। सिमिलर मैट्रिसेस के जो आइगन वैल्यूज होते हैं वो हमेशा सेम होते हैं, ये बात जरा बच्चों यहाँ पर ध्यान रख। सिमिलर का मतलब अगर ए और बी सिमिलर हैं तो मैं बी को लिख सकता हूँ क्या बोलो, ए पी इनवर्स ए पी, पी एक मैट्रिक्स ऐसा मिल जाना चाहिए, ठीक है ना। अच्छा अब देखो एक बात और देखो, अगली पॉइंट देखो बच्चों यहाँ पर ये आता है कि जैसे मान लो कोई मैट्रिक्स ए है और उसके आइगन वैल्यूज लैम्डा वन लैम्डा टू लैम्डा थ्री हैं, दो भी हो सकते हैं तीन भी हो सकते हैं, तो इसका जो डिटर्मिनेंट होगा वो हमेशा इनके मल्टीप्लाई के बराबर आएगा, ये बात ध्यान रखना। मतलब सारे आइगन वैल्यूज को जब मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा तो जो रिजल्ट मिलेगा वो हमेशा उस मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट की वैल्यू के बराबर होगा, है ना, कि वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज इक्वल टू मल्टीप्लीकेशन ऑफ ऑल आइगन वैल्यूज। मतलब आइगन वैल्यूज को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे जितने भी आइगन वैल्यूज होंगे उनका मल्टीप्लीकेशन हमेशा उस मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट के बराबर होगा। अब देखो इंटरेस्टिंग चीज यहाँ पर ही देखो, इसी से एक और प्रॉपर्टी निकलती है, मान लो अगर डिटर्मिनेंट जीरो हो जाए तो इसका मतलब लैम्डा वन इंटू लैम्डा टू इंटू लैम्डा थ्री का मल्टीप्लाई जीरो होगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब देखो ये हुआ कि अब अगर इन तीन चीजों का मल्टीप्लाई जीरो है तो इसका मतलब इनमें से कम एक जीरो होना चाहिए, एटलीस्ट वन इज जीरो। अगर तीन चीजों का मल्टीप्लाई जीरो है तो कम से कम एक जीरो होगा, मतलब या तो लैम्डा वन कम से कम एक का मतलब एक भी जीरो हो सकता है, एक से ज्यादा भी जीरो हो सकते हैं, हो सकता है दो चीजें जीरो हो सकता है एक चीज जीरो हो, केवल हो सकता है तीनों भी जीरो हो। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैट्रिक्स जो है उसका डिटर्मिनेंट जीरो है, मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जीरो का मतलब क्या हुआ कि मैट्रिक्स सिंगुलर है ना। जिस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जीरो होता है ऐसी मैट्रिक्स को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। तो अगर मैट्रिक्स सिंगुलर है मतलब ये दोनों चीजें इफ एंड ओनली इफ हैं कि अगर ऐसा हुआ तो ऐसा होना चाहिए, है ना, मतलब कि अगर डिटर्मिनेंट जीरो है तो कम से कम एक आइगन वैल्यू को जीरो होना चाहिए। दूसरी बात ऐसे भी कह सकते हैं कि अगर कम से कम एक आइगन वैल्यू जीरो है तो उसका डिटर्मिनेंट जीरो होगा, ये डबल इम्प्लाई है कि मतलब कि अगर ऐसा हुआ तो कम से कम एक आइगन वैल्यू जीरो होगी और अगर कम से कम एक आइगन वैल्यू जीरो है तो मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट हमेशा जीरो होगा। तो ये रिजल्ट हमने यहीं से बच्चों निकाल लिया है, इस बात को जरा यहाँ पर समझो, ये इंपॉर्टेंट बातें हैं बच्चों। अच्छा अब देखो यहाँ पर एक बात और मैं आपको इंपॉर्टेंट बता देता हूँ कि मान लो जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कि अगर ए और बी दो स्क्वायर मैट्रिसेस हैं, अगला पॉइंट देखो यहाँ पर ये है क्या कि मान लो ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिसेस, ठीक है, स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर, मतलब जैसे अगर ये भी 2x2 है तो ये भी 2x2 होगी, ये 3x3 है तो ये भी 3x3 होगी ना। तो अगर ए और बी दो स्क्वायर मैट्रिसेस हैं सेम ऑर्डर की, तो ऐसे केस में ए बी और बी ए इन दोनों के आइगन वैल्यू सेम होंगे, ठीक है, दोनों के आइगन वैल्यू सेम, क्योंकि देखो स्क्वायर क्यों कहा, जिससे ए इंटू बी और बी इंटू ए पॉसिबल हो पाए। भाई अगर मैट्रिसेस स्क्वायर नहीं हुई तो हो सकता ए इंटू बी निकले बी इंटू ए ना निकले, मान लो एक मैट्रिक्स ए है और ये मैट्रिक्स 2 रोज हैं और मान लो इसमें 3 कॉलम हैं, 2x3 मैट्रिक्स है, ठीक है, और मान लो दूसरी मैट्रिक्स 3x4 की है। तो अब अगर तुम ए इंटू बी निकालोगे तो निकल आएगा, ए इंटू बी कैसे निकलता है, देखो ये 3 इसके बराबर है तो 2x4 का मैट्रिक्स बन गया। लेकिन अगर तुम b इंटू ए निकालना चाहोगे तो नहीं निकलेगा, क्योंकि देखो b इंटू ए का मतलब ये कॉलम है ये रो, देखो बराबर ही नहीं है। तो इसलिए ऐसा किया गया कि a इंटू बी और b इंटू ए दोनों चीज़ें निकलें, इसलिए दोनों को स्क्वायर लिया गया और सेम ऑर्डर का लिया गया, अब दोनों निकल आएंगे, a इंटू बी भी पॉसिबल है b इंटू ए भी पॉसिबल है। तो अगर a और b स्क्वायर मैट्रिसेस है सेम ऑर्डर के हैं तो उनकी आइगन वैल्यूज हमेशा सेम होंगी, ये बात जरा बच्चों यहाँ पर अच्छे से दिमाग में बैठा लो, ठीक है। अच्छा अब देखो एक कॉन्सेप्ट और यहाँ पर समझो, जैसे एक होता है मैट्रिक्स अपर ट्रायंगुलर, एक मैट्रिक्स बच्चों होता है अपर ट्रायंगुलर और एक मैट्रिक्स बच्चों क्या होता है लोअर ट्रायंगुलर, ये दो टाइप के बच्चों मैट्रिसेस होते हैं।
देखो जैसे अपर ट्रायंगुलर क्या होता है, जैसे अपर ट्रायंगुलर क्या होता है, जैसे आपने एक मैट्रिक्स बनाया 2 4 0 1 2 है ना माइनस वन, तो देखो ये हो गया हमारा मेन डायगोनल, तो इसके नीचे के एलिमेंट जीरो हैं, तो ऐसे मैट्रिक्स को कहते हैं अपर ट्रायंगुलर। ठीक है, ऐसे मैट्रिक्स को कहा जाता है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, जिसमें मेन डायगोनल के नीचे के सारे एलिमेंट जीरो होने चाहिए। हाँ, ऊपर के कुछ भी हो सकते हैं, ऊपर के जीरो हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, लेकिन नीचे के सारे एलिमेंट जीरो होंगे तो ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हमेशा कहते हैं। ये बात जरा यहाँ पर ध्यान दो, ठीक है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इसको हम लोग कहते हैं जिसमें कि मेन डायगोनल के नीचे के सारे एलिमेंट जीरो होते हैं। अच्छा, फिर ऐसे एक मैट्रिक्स होता है लोअर ट्रायंगुलर, इसमें क्या होता है देखो, इसमें मेन डायगोनल के ऊपर के सारे एलिमेंट जीरो होते हैं, ऊपर के मतलब ये अपना मेन डायगोनल है, इसके ऊपर के सारे एलिमेंट जीरो होने चाहिए। हाँ, ये जीरो हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, इन पे कोई कंडीशन नहीं। मान लो अगर मैं इनको भी जीरो कर दूं तब भी ये अपर ट्रायंगुलर रहेगा, अपर ट्रायंगुलर का मतलब तब भी ये लोअर ट्रायंगुलर रहेगा, ध्यान रखना, ठीक है, तब भी ये लोअर ट्रायंगुलर। लोअर ट्रायंगुलर में क्या हुआ कि मेन डायगोनल के, ठीक है, ऊपर के सारे एलिमेंट जीरो होंगे तो लोअर ट्रायंगुलर है, और अपर ट्रायंगुलर में क्या हुआ, मेन डायगोनल के नीचे के सारे एलिमेंट जीरो होंगे तो अपर। अब देखो इन दोनों को ही हम ट्रायंगुलर मैट्रिसेस कहते हैं, इन दोनों को मिलाकर क्या कहा जाता है, ट्रायंगुलर मैट्रिसेस। ठीक है, इन दोनों को ये मिलाकर क्या कहते हैं, ट्रायंगुलर मैट्रिसेस। अब देखो खास बात क्या होती है, खास बात ये होती है अगर हम अपर ट्रायंगुलर की आइगन वैल्यूज निकालें या लोअर ट्रायंगुलर की आइगन वैल्यूज निकालें, तो इनकी जो आइगन वैल्यूज आती हैं ये हमेशा इनके डायगोनल एलिमेंट्स आते हैं। जैसे अगर मैं इसकी आइगन वैल्यूज निकालूंगा तो वो आएगी 2 1 -1, और अगर मैं इसकी आइगन वैल्यू निकालूंगा तो वो आएगी 1 2 3। मतलब अपर ट्रायंगुलर हो या लोअर ट्रायंगुलर हो, दोनों मैट्रिसेस में जो हमारे आइगन वैल्यूज होते हैं वो उनके डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, कोई भी जैसे कि अगर मैं इसकी आइगन वैल्यू निकालूंगा तो इसकी आइगन वैल्यू अपने आप ही यही आएंगी क्या, 2 1 -1, और अगर मैं इसकी आइगन वैल्यू निकालूंगा तो वो यही आएंगी 1 2 और 3। तो अपर ट्रायंगुलर या लोअर ट्रायंगुलर दोनों ही मैट्रिसेस हों, दोनों ही मैट्रिसेस में ध्यान रखना जो हमारे डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं वही उनके आइगन वैल्यूज होते हैं। अच्छा, अगला पॉइंट देखो यहाँ पर क्या है कि मान लो मेरे पास एक मैट्रिक्स ए है और ए की जो आइगन वैल्यू है वो लैम्डा है और ए का जो आइगन वेक्टर है वो एक्स है ना, आइगन वैल्यू लैम्डा, आइगन वेक्टर एक्स। अब देखो इंपॉर्टेंट बात ये है, अगर मैं ए की पावर एन कर दूं, ए की पावर एन का मतलब ए ए ए को मैं एन टाइम्स मल्टीप्लाई कर दूं, एन क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है, तो ऐसे केस में जो ए की पावर एन आएगा उसकी आइगन वैल्यू लैम्डा की पावर एन हो जाएगी, लेकिन आइगन वेक्टर एक्स ही रहेगा। बहुत इंटरेस्टिंग है ना, जैसे कि मान लो अगर एक मैट्रिक्स ए है उसकी दो आइगन वैल्यूज हैं या तीन आइगन वैल्यूज हैं, तो अगर मैं ए की पावर एन की आइगन वैल्यूज निकालूंगा तो अपने आप ही लैम्डा 1 की पावर एन, लैम्डा 2 की पावर एन और लैम्डा 3 की पावर एन हो जाएगी, लेकिन अगर इसका आइगन वेक्टर एक्स वन है तो इसका भी आइगन वेक्टर एक्स वन ही रहेगा, अगर इसका आइगन वेक्टर एक्स टू है तो इसका एक्स टू ही रहेगा, और इसका आइगन वेक्टर एक्स थ्री है तो इसका आइगन वेक्टर एक्स थ्री ही रहेगा, है ना। एन का मतलब एन की वैल्यू 2 हो सकती, अगर एन की वैल्यू 2 हो गई तो ये लैम्डा 1 स्क्वायर, लैम्डा 2 स्क्वायर, लैम्डा 3 स्क्वायर हो जाएगा, अगर एन की वैल्यू 3 हो गई तो लैम्डा 1 की पावर 3, लैम्डा 2 की पावर 3 और लैम्डा 3 की पावर 3 हो जाएगा। ठीक है भाई, तो ये बच्चों मैं आपको समझा रहा हूँ, तो पढ़िए बच्चों इसको अच्छे से। एक दो बातें और देखो बता देते हैं इंपॉर्टेंट आपको, ये देखो मेरे छोटे बेटे आ गए खेल कूद के, आ गए हो, क्या क्या किया, वही फोटो खिंचा रहे थे हम लोग, और क्या किया, और हम लोग बैठे हुए थे अभी, और भैया मामा क्या कर रहे हैं, ये बैठे हुए अभी हम लोग पापा को लेकर, अभी पापा अभी क्लास में लेकर आइएगा, क्लास लेके मैं भी आऊँ, अच्छा चलो मैं क्लास पढ़ाता हूँ फिर आता हूँ काफी देर बाद। ठीक है, चलिए भाई छोटे बेटे आ गए घूम घाम के, बेटा दरवाजा बंद करो वरना मच्छर घुस जाएंगे, आजकल देख रहे हो डेंगू की बहुत चल रहा है, जल्दी दरवाजा बंद करो फटाफट, चलो दरवाजा बंद कर दो जल्दी से, गुड 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 गुड। अच्छा बच्चों अब देखो हम लोग एक बात और पढ़ें इम्पॉर्टेंट यहाँ पर, अगली बात देखो बच्चों यहाँ पर ये है 8 नंबर, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, ये देखिए ये भी आ गई है घूम घाम के,
फोटो वोटो लेके आ गई हैं, और वो कहाँ एकाग्र भी आ गए हैं। बड़ा दरवाज़ा बंद कर दो, शोर निकलना, मैं क्लास पढ़ा रहा हूँ। दरवाज़ा बंद कर दो बिल्कुल अच्छे से। नहीं वो नहीं, जाली वाला बंद करो, शीशे वाला बंद नहीं करो, अच्छे चिपका दो उसको, वरना मच्छर घुस जाएंगे। ठीक है, ये लो बच्चे नौकुच ताल का मजा लेके आ गए। तुम लोग शोर बिल्कुल नहीं करना, मैं क्लास पढ़ा रहा हूँ, बच्चों को डिस्टर्ब ना हो। ठीक है भाई, देखो। अच्छा अब देखो बच्चों, एक बात और समझो। एक होता है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, क्या होता है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स? तुम लोग अपने टॉफी बिस्कुट वगैरह कुछ खा लो। ठीक है, अच्छा देखो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स बेटा क्या होता है, ये भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता है हमेशा, जिसमें ए इंटू ए ट्रांसपोज आइडेंटिटी के बराबर होता है। ऐसे मैट्रिक्स को ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स कहते हैं, जिसमें ए इंटू ए ट्रांसपोज या ए ट्रांसपोज इंटू ए भी कह सकते हैं, दोनों ही आई के बराबर होता है, और ये हमेशा एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, क्योंकि तभी ए इंटू ए ट्रांसपोज आप निकाल पाओगे, है ना। अगर स्क्वायर नहीं हुआ तो ए इंटू ए ट्रांसपोज निकलेगा ही नहीं। मान लो ए अगर, मान लीजिए, है ना, दिक्कत हो जाएगी उसमें, है ना, ये दोनों बराबर नहीं होंगे फिर। मान लो ए जो है वो 2×3 है, ठीक है, और ए ट्रांसपोज जो है वो 3×2 है। अच्छा निकल आएगा, ए इंटू ए ट्रांसपोज निकल आएगा, लेकिन वो आई नहीं होगा, क्योंकि आई, है ना, निकल आएगा। लेकिन ये ध्यान रखना, ऑर्थोगोनल हमेशा स्क्वायर होता है भाई। ए 2×3 है, ए ट्रांसपोज 3×2 है, तो ए इंटू ए ट्रांसपोज निकल आया कोई दिक्कत नहीं, ए ट्रांसपोज इंटू ए भी निकल आया कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हाँ वो बराबर नहीं होंगे, क्योंकि देखो ए इंटू ए ट्रांसपोज निकालोगे तो क्या होगा, ये 3 है, ये 3 है, तो ये 2×2 का बचेगा, और ए ट्रांसपोज इंटू ए निकालोगे तो क्या होगा, देखो इसका कॉलम इसकी रो के बराबर है, तो ये 3×3 बचेगा, लेकिन देखो दोनों बराबर नहीं है, इसका ऑर्डर 2×2 है, इसका ऑर्डर 3×3 है, तो इसलिए ये मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल तभी होगा जब मैट्रिक्स स्क्वायर हो, और ए इंटू ए ट्रांसपोज करेंगे वो भी आई आएगा, और ए ट्रांसपोज इंटू ए करेंगे वो भी आई आएगा। देखो जैसे मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ, मान लीजिए ये मेरे पास एक मैट्रिक्स है, क्या बोलो, कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा और कॉस अल्फा। ठीक है, अगर मैं इसका ए ट्रांसपोज निकालता हूँ तो क्या होगा, फर्स्ट रो आ जाएगा फर्स्ट कॉलम में, और सेकेंड रो कहाँ पहुँच जाएगा, सेकेंड कॉलम में। अब अगर मैं ए इंटू ए ट्रांसपोज निकालूंगा तो क्या होगा, आप कर सकते हैं इसका, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 हो जाएगा, अपना जानते हैं, इसको इससे करेंगे तो 0 हो जाएगा, और इसको इससे करेंगे तो 0 हो जाएगा, और इसको इससे करेंगे तो फिर से 1 हो जाएगा। तो देखो ये आई आ गया, तो ये मैट्रिक्स कैसी है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। देखो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स के साथ में खास बात ये है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की जो आइगन वैल्यूज होती हैं, इस मैट्रिक्स की जो आइगन वैल्यूज होती हैं, आइगन वैल्यूज, ठीक है, ये हमेशा यूनिट मॉडुलस की होती हैं। मतलब जो आइगन वैल्यू होगी उसका जब आप मैग्नीट्यूड निकाल लोगे तो 1 आएगा हमेशा, है ना। किसकी आइगन वैल्यू, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की जो आइगन वैल्यूज होती हैं वो हमेशा यूनिट मॉडुलस की होती हैं। आइगन वैल्यूज आर ऑफ यूनिट मॉडुलस, किसकी, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की। देखो जैसे ये हमारे पास एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स था, अभी देखा हम लोगों ने, ये मेरे पास एक मैट्रिक्स था ऑर्थोगोनल, क्या था बोलो, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा और साइन अल्फा और कॉस अल्फा। ठीक, अगर मैं ए माइनस लैम्डा आई इक्वल टू जीरो करूँ, है ना, अगर मैं a माइनस लैम्डा इक्वल टू जीरो करूँ और मैं इसकी आइगन वैल्यूज निकाल लूँ, निकाल सकते हैं, बोलो निकाल सकते हैं, बोलो लैम्डा इंटू आई क्या है, लैम्डा इंटू 1001 हो गया, तो क्या बच गया, लैम्डा 00 लैम्डा हो गया, a माइनस लैम्डा, a माइनस लैम्डा आई किया, देखो इसकी हम लोग निकालना चाह रहे हैं आइगन वैल्यू, a माइनस लैम्डा आई किया तो क्या होगा, कॉस अल्फा माइनस लैम्डा माइनस साइन अल्फा। ठीक है, इसमें से इसको माइनस किया तो साइन अल्फा और कॉस अल्फा माइनस लैम्डा बराबर 0 किया, मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस का लैम्डा स्क्वायर माइनस का 2 कॉस अल्फा इंटू लैम्डा। ठीक है, और प्लस का साइन स्क्वायर अल्फा, सिंप्लीफाई किया, इसका इससे मल्टीप्लाई माइनस का इससे मल्टीप्लाई, देखो ये तो 1 हो जाएगा, तो लैम्डा स्क्वायर माइनस 2 लैम्डा कॉस अल्फा प्लस 1 बराबर 0 हो गया, तो लैम्डा की वैल्यू क्या हो गई, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर। ठीक है, माइनस 4ac और अपॉन 2a, 4 कॉमन ले कट जाएगा तो बच जाएगा क्या बोलो, कॉस अल्फा प्लस माइनस अंडर रूट
कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस वन, और फोर बाहर आएगा टू आएगा तो टू से टू कट जाएगा। अब देखो ये हो जाएगा कॉस अल्फा प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर, देखो ये क्या हो जाएगा, ये माइनस कॉमन लिया तो वन माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा तो साइन स्क्वायर अल्फा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कॉस अल्फा प्लस माइनस आयोटा साइन अल्फा। बात समझ गए ना, साइन स्क्वायर अल्फा है उसका रूट लेंगे साइन हो जाएगा, अंडर रूट माइनस वन आयोटा हो जाएगा। अब देखो इंटरेस्टिंग बात की है कि लैम्डा की देखो एक वैल्यू ही आई, क्या आई बोलो, कॉस अल्फा प्लस आई साइन अल्फा, और लैम्डा की एक वैल्यू ही आई, देखो दो आइगन वैल्यूज यहाँ से आई। अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड निकालूंगा तो मैग्नीट्यूड ऑफ दिस, ये क्या है, ये है एक कॉम्प्लेक्स नंबर, और कॉम्प्लेक्स नंबर का मैग्नीट्यूड क्या होता, अंडर रूट एक्स स्क्वायर, भाई एक्स प्लस आई वाई हो गया ना, तो कॉम्प्लेक्स नंबर का मैग्नीट्यूड क्या होता, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और देखो ये वन हो गया, इसी प्रकार इसका भी वन हो जाएगा, तो मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर का मैग्नीट्यूड क्या होता है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एक्स क्या है कॉस अल्फा, वाई क्या है साइन अल्फा, वन हो गया, इसका निकालोगे वही वन हो जाएगा। तो मतलब ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स अगर हमारे पास है तो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की जो आइगन वैल्यूज होती हैं उनका मैग्नीट्यूड क्या नंबर था पेपर का, ये एट था, अगला वाला देखो ये नाइन आएगा। ठीक है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स जो बेटा होता है उसकी जो आइगन वैल्यूज होती हैं उनका जो मैग्नीट्यूड होता है बेटा ये हमेशा वन होता है, इस बात को जरा यहाँ पर हमको ध्यान रखनी है। अच्छा अब देखो एक बात और ध्यान रखना, एक मैट्रिक्स होती है बच्चों क्या, यूनिटरी मैट्रिक्स, देखो एक क्या होता है यूनिटरी मैट्रिक्स, कहाँ लिखना है, एक होता है यूनिटरी मैट्रिक्स, फिर से लिखता हूँ यूनिटरी मैट्रिक्स। देखो यूनिटरी मैट्रिक्स बच्चों क्या होता है, ये भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स होती है, तो अगर मान लो स्क्वायर मैट्रिक्स है और ए इंटू ट्रांजुगेट अगर आई है ना, या ऐसा भी कह सकते हैं ए ट्रांजुगेट इंटू ए बराबर आई, ध्यान रखना ए हमेशा क्या होगा स्क्वायर होगा, ए हमेशा कैसा होगा स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। ट्रांजुगेट मैंने बताया था ट्रांसपोज का कंजुगेट निकालते हैं उसे क्या कहते हैं ट्रांजुगेट, ये मैंने हर्मिशियन मैट्रिक्स में बताया था, ट्रांसपोज और कंजुगेट निकालते हैं उसे क्या कहते हैं ट्रांजुगेट, है ना। जैसे कि फॉर एग्जांपल देखो एक मैट्रिक्स मैंने ये ले लिया है ना, ये ले लिया वन वन प्लस आयोटा, और ये ले लिया वन माइनस आयोटा, और ये ले लिया माइनस वन, ठीक है ये मैट्रिक्स लिया और वन बाय रूट थ्री बाहर ले लिया, वन वन प्लस आयोटा वन माइनस आयोटा, ठीक है। अब देखो अगर मैं इसका पहले निकालता हूँ ट्रांसपोज तो क्या होगा, वन बाय रूट थ्री बाहर रहेगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बनेगा, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम बनेगा। अब मैं इसका निकालता हूँ ट्रांसपोज का कंजुगेट तो वन बाय रूट थ्री, कंजुगेट क्या होगा ये वन का वन ही रहेगा, ये वन प्लस आयोटा हो जाएगा, ये वन माइनस आयोटा हो जाएगा, ये माइनस वन हो जाएगा, तो ये हो गया इसका ट्रांजुगेट, इसी को कहते हैं ट्रांजुगेट, ट्रांसपोज एंड कंजुगेट करो, या पहले कंजुगेट करो फिर ट्रांसपोज करो, बात बराबर ध्यान रखना, पहले ट्रांसपोज किया फिर कंजुगेट किया, कंजुगेट का मतलब आयोटा का साइन बदल दो, ट्रांसपोज का मतलब फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में ले आओ, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में ले आओ, और कंजुगेट का मतलब जहां जहां आयोटा है उसके आगे का साइन बदल दो, ठीक है। तो पहले ट्रांसपोज किया फिर कंजुगेट किया तो इसको ट्रांजुगेट करेंगे, या ऐसा भी कह सकते हैं कि पहले हम कंजुगेट ले लें फिर ट्रांसपोज करें, तो बात बराबर आती है। तो अब देखो अगर मैं ए इंटू ए ट्रांजुगेट मल्टीप्लाई करता हूँ तो इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो ये वन बाय रूट थ्री, वन बाय रूट थ्री थ्री हो जाएगा, ठीक है। इसको इससे करना है मल्टीप्लाई, ये चेक करने के लिए क्या ये यूनिटेरी है, तो ए इंटू ए ट्रांजुगेट निकालना होगा। अब क्या होगा फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से करोगे तो कितना आएगा, वन प्लस वन माइनस आयोटा स्क्वायर, फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से करोगे तो कितना आएगा, ये जीरो हो जाएगा, सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से करोगे तो ये भी जीरो हो जाएगा, सेकंड रो को सेकंड कॉलम से करोगे तो वन माइनस आयोटा स्क्वायर और प्लस वन हो जाएगा, देखो आयोटा स्क्वायर माइनस वन हो गया तो ये क्या बन गया, ये थ्री हो गया, थ्री जीरो जीरो थ्री, थ्री कॉमन लेके बाहर ले लेंगे, देखो ये बन जाएगा अपना आयोटा। यही हम प्रूव करना चाहते थे कि देखो ये मैट्रिक्स कैसा है, यूनिटरी मैट्रिक्स है। अब देखो यूनिटरी मैट्रिक्स की खास बात ये होती है, इसकी भी जो आइगन वैल्यूज होती हैं, इसकी भी जो आइगन वैल्यूज होती हैं वो भी उनका भी मैग्नीट्यूड वन होता है हमेशा। यूनिटरी मैट्रिक्स की खास बात होती है इसकी आइगन वैल्यूज जो होती हैं इसका भी मैग्नीट्यूड हमेशा वन होता है, जैसे कि ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की जो आइगन वैल्यूज होती हैं उनका मैग्नीट्यूड वन होता है,
सेम उसी प्रकार से ठीक है यूनिटरी मैट्रिक्स की जो आइगन वैल्यूज होती हैं उनका भी मैट्रिक्स हमेशा बच्चों वन होगा, इस बात को ध्यान दो। और तुम लोग क्या मोबाइल वोबाइल खेल लो? और भाई एकाग्र मोबाइल खेल लो? देखो ये तीनों बल्कि मोबाइल खेल रहे हैं, ये तीनों आए हैं लौट के और मोबाइल को एंजॉय कर रहे हैं, यहाँ पर शांत हैं लेकिन मोबाइल एंजॉय कर रहे हैं। तीनों के अलग अलग मोबाइल हैं, तीनों मोबाइल खेलना है। ये तो अपने गेम वेम कुछ देख रहे होंगे दोनों बच्चे। और वाइफ लक्ष्मी तुम क्या कर रही थी? फेसबुक देख रही थी, बताइए फेसबुक देख रही। और मैं यहाँ पढ़ा पढ़ा के परेशान हुआ जा रहा हूँ, समझ रहे हैं आप लोग ये चल रहा है बताइए आजकल। मैं पढ़ा पढ़ा के परेशान हुआ जा रहा हूँ, ये लोग इन्जॉय कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो एक बार फिर आपको अच्छी लोकेशन दिखाते हैं बच्चों, अच्छी लोकेशन बेटा आपको दिखाते हैं। आपको दिख रही होगी लोकेशन, बाहर आपको बोट वोट दिख रहे हैं और शाम को बढ़िया बढ़िया और लोकेशन दिखाएंगे। तो बेटा ये मैंने आपको पढ़ा दिया है आइगन वैल्यूज़ एंड आइगन वेक्टर की प्रॉपर्टीज़ के बारे में। तो इस वीडियो में बेटा इतना काफ़ी है, हम लोग अगले वीडियो में फिर मिलेंगे अच्छे सवालों अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।